गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बेटा, आज अपन बात करते हैं लेसन 7 जिसका नाम है ट्रांसपायरेशन वाष्पोत्सर्जन। पहले इस शब्द के बारे में अपन व्याख्या करेंगे कि वाष्पोत्सर्जन है क्या। देखो बेटा, ये दो शब्दों से बना हुआ है। एक तो है वाष्प, क्या है वाष्प, और दूसरा क्या है उत्सर्जन। उत्सर्जन आप जानते हो एक्सक्रीशन, त्यागने की प्रक्रिया, त्यागना, ठीक। अब जो वाष्प है वो बेटा जल का रूप है, अर्थात जो जल होता है वो बेटा किसमें परिवर्तित हो जाता है, गैस में परिवर्तित हो जाता है, ठीक। अर्थात वाष्प का त्यागना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। अब ये जो क्रिया है वो बेटा पादपों में होती है, किसमें होती है या जीवों में होती है ना। जो वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया है वो जीवों में होती है, अर्थात तापमान के कारण, किसके कारण, उच्च तापमान के कारण। जब पौधों की सतह गर्म होती है तो पौधों के विभिन्न भागों में उपस्थित जो जल होता है वो वाष्प के रूप में परिवर्तित होता है ना। जल किसके रूप में बेटा, गैस के रूप में क्या होती है, परिवर्तित होती है, और वो रंध्रों के द्वारा, स्टोमेटा के द्वारा बाहर क्या कर दी जाती है, त्याग दी जाती है। अर्थात पादपों द्वारा जल का वाष्प के रूप में त्यागने की जो प्रक्रिया है, किसके द्वारा, पादपों द्वारा जल के वाष्प के रूप में, वाष्प के रूप में त्यागने की जो प्रक्रिया होती है वो बेटा क्या कहलाती है, वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। दूसरे शब्दों में अपन पादपों में वाष्प के रूप में, पादपों में वाष्प के रूप में होने वाली जल हानि क्या कहलाती है बेटा, ट्रांसपायरेशन वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। क्लियर है ना। वाष्पोत्सर्जन क्या है, वाष्पोत्सर्जन एक प्रक्रिया है, क्रिया है जो जीवों में होती है, और इसमें जो पादप होते हैं या जो जीव होते हैं वो तापमान के बढ़ने के कारण जल को किसके रूप में, गैस के रूप में, वाष्प के रूप में परिवर्तित कर देते हैं, और ये वाष्प रंध्रों के द्वारा वातावरण में छोड़ दी जाती है, त्याग दी जाती है, या जल की हानि हो जाती है। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है बेटा, वाष्पोत्सर्जन कहलाती है, ठीक। अब बात करते हैं कि वाष्पोत्सर्जन पादप के कौन कौन से भागों से होता है। देखो बेटा, पादप है और पादप के अपन भागों को स्थिति के आधार पर, एक तो बेटा दो भागों में बांटते हैं, एक तो होते हैं भूमिगत भाग, और भूमिगत भाग में क्या आता है, उसका रूट सिस्टम आता है, क्या आता है, रूट सिस्टम है ना, जड़ तंत्र आता है, जड़ आती है, प्राथमिक मूलें, मूसला मूल या प्राथमिक मूल, द्वितीयक मूल, तृतीयक मूलें होती हैं, और बेटा जो ऊपर होता है वो होता है सूट सिस्टम, वायवीय भाग, कौन सा भाग, वायवीय भाग, और वायवीय भाग में क्या होता है बेटा, सूट सिस्टम होता है, प्रहरोह तंत्र होता है। अब पादप के वायवीय भाग कौन से हैं आप जानते हो, देखो पादप के वायवीय भाग तना है, पर्ण है, शाखा है, पुष्प है, फल है, ये सब क्या होते हैं बेटा, वायवीय भाग होते हैं। तो पादप के, अब दूसरी परिभाषा बना रहा हूं, बिल्कुल जो एक्यूरेट परिभाषा है, तो बेटा वाष्पोत्सर्जन कभी भी जड़ के द्वारा नहीं होता, रूट सिस्टम के द्वारा ट्रांसपायरेशन नहीं होता है। जो ट्रांसपायरेशन होता है वो किसके द्वारा होता है, सूट के द्वारा होता है। जो ट्रांसपायरेशन होता है वो बेटा किसके द्वारा होता है, पादप के वायवीय भागों के द्वारा होता है।
तो सुनो दूसरी परिभाषा, पादप के वायवीय भागों द्वारा, पादप के वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में होने वाली जलहानि, पादप के वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में होने वाली जो जल हानि होती है वो क्या कहलाती है बेटा, वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। ठीक, देखो वाष्पोत्सर्जन एक आवश्यक बुराई है, क्या है, अगर बेटा वाष्पोत्सर्जन ज्यादा हो गया अर्थात जल की हानि ज्यादा हो गई तो पादप में स्थायी रूप से मुरझान आ जाता है जिससे पादप की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और यदि मान लिया वाष्पोत्सर्जन गर्मियों में वाष्पोत्सर्जन नहीं होगा तो पादप शरीर का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा और टेम्परेचर के बढ़ने से जो पादप में उपापचयी जो एंजाइम्स हैं या जो जैव रासायनिक क्रिया हैं वो क्या हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं, जिससे क्या नहीं होगा, उपापचयी क्रिया नहीं होगी जिससे उस पादप की बेटा क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती, होना भी है और नहीं भी, अगर ज़्यादा हो गया तो हानिकारक नहीं होता तब भी क्या है, हानिकारक। इसलिए वाष्पोत्सर्जन को एक अपन आवश्यक बुराई कहते हैं, क्या कहते हैं, नेसेसरी इविल्स कहा जाता है। ठीक है बेटा, समझ में आया, वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं, पादप के वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में होने वाली जल हानि क्या कहलाती है, ट्रांसपायरेशन कहलाती है। पादप के वायवीय भागों द्वारा जल के वाष्प के रूप में त्यागने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ ठीक है बेटा, बात करते हैं इसके वाष्पोत्सर्जन के प्रकार के बारे में। देखो वाष्पोत्सर्जन कहाँ कहाँ से होता है उसके आधार पर जो वाष्पोत्सर्जन है बेटा वो तीन प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, तीन प्रकार का होता है ना, टाइप ऑफ ट्रांसपायरेशन, टाइप्स ऑफ ट्रांसपायरेशन, वाष्पोत्सर्जन के प्रकार। जो बेटा वाष्पोत्सर्जन है वो तीन प्रकार का है, कितने प्रकार का है, तीन प्रकार का। एक तो होता है स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन, रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन। दूसरा होता है बेटा उपत्वचीय ट्रांसपायरेशन, उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन, क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन। और बेटा जो तीसरा होता है वो होता है वातरंध्रीय, वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, लेंटिक्यूलर, लेंटिक्यूलर ट्रांसपायरेशन। ठीक है बेटा, तीन प्रकार का है ट्रांसपायरेशन, रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन, वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। अब तीनों के बारे में अपन डिटेल से पढ़ते हैं। देखो बेटा नाम से इंडिकेट हो रहा है क्या, रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, जो रंध्र हैं वो कहां पर होते हैं, जो बेटा रंध्र हैं वो पादप के वायवीय भागों पर पाए जाते हैं। कहां पर पाए जाते हैं, पादप के तो सर्वाधिक जो रंध्र होते हैं वो पादप के वायव्य भागों में होते हैं। अब पादप के वायव्य भाग तो कई सारे हैं, है ना, तना भी है ना, फल भी है, पुष्प भी है, और बेटा उसकी पर्ण भी है, कलिका भी है, शाखा भी है। देखो बेटा जो रंध्र होते हैं वो सर्वाधिक होते हैं पर्ण में, कहाँ पर होते हैं, पर्ण पर उपस्थित होते हैं सर्वाधिक रंध्र,
100 से लेकर 60,000 पर सेंटीमीटर स्क्वायर रंध्र पाए जा सकते हैं पर्णों पर। ओके, अब सुनो, तो रंध्रों के द्वारा होने वाले है ना, होने वाले वाष्पोत्सर्जन को या पत्तियों की सतह पर उपस्थित रंध्रों द्वारा होने वाले वाष्पोत्सर्जन को क्या कहते हैं बेटा, रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। पत्तियों की सतह पर उपस्थित रंध्रों द्वारा होने वाले वाष्पोत्सर्जन को रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। बहुत इजी परिभाषा है। रंध्र सर्वाधिक कहाँ होते हैं, पर्णों की सतह पर होते हैं बेटा, है ना। जड़ों में प्रायः रंध्रों का क्या होता है, अभाव होता है ना। कुछ अपवादों को छोड़कर अधिकांश जो जड़ होती हैं उनमें रंध्रों का क्या होता है, अभाव होता है। जो सर्वाधिक रंध्र हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं, लीफ पर पाए जाते हैं। कहाँ पर होते हैं, पर्ण पर होते हैं, पत्तियों की सतह पर होते हैं, ठीक है ना। अब जो रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन है वो टोटल वाष्पोत्सर्जन का कितना होता है बेटा, लगभग 50 से 97% जो वाष्पोत्सर्जन है, 50 से 97% जो वाष्पोत्सर्जन होता है वो पादपों में कौन सा होता है, रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन होता है, है ना। बहुत पूछा जाता है बेटा ये कि पादपों में जो सर्वाधिक वाष्पोत्सर्जन किस प्रकार का होता है, तो कौन सा होता है, रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन होता है। 50 से 97% जो वाष्प के रूप में जो जल हानि होती है वो किसके द्वारा होती है, रंध्रों के द्वारा होती है। और रंध्रों के द्वारा होने वाली वाष्प के रूप में जल हानि को अपन क्या कहते हैं बेटा, रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। अब बात करते हैं उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन, कौन सी उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन। और ये जो उपत्वचा है आपको पता है बेटा, देखो उपत्वचा का नाम सुन रखा होगा आपने, उपत्वचा या जो क्यूटिकल है वो एक मोमी परत होती है, वैक्सी लेयर होती है। क्या होती है, वैक्सी लेयर होती है, मोमी परत होती है। अब जो बेटा ये जो मोमी परत है जल के लिए क्या होती है, अपारगम्य होती है, जल के प्रति क्या होती है, अपारगम्य होती है, ठीक है ना। लेकिन ये पाई किसमें जाती है बेटा, ये जो क्यूटिकल है वो जीरोफाइटिक पादपों में पाई जाती है। कौन से पादपों में, जीरोफाइटिक पादप अर्थात जो मरुद्भिद पादप होते हैं, क्या होते हैं, जो मरुद्भिद पादप होते हैं। और मरुद्भिद पादपों में ना, मरुद्भिद पादप बेटा जो रेगिस्तान में पाए जाते हैं जिनमें जल अभाव को सहन करने की क्या होती है, क्षमता होती है। जो जल की कमी में भी आसानी से उग आते हैं, पुष्पित होते हैं, फलित होते हैं और अपने जीवन चक्र को पूर्ण करते हैं, वो पादप क्या कहलाते हैं, मरुद्भिद पादप कहलाते हैं। देखो बेटा मरुद्भिद पादप ये ऐसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहां पर जल कम होता है, जल की कमी क्या होती है, बहुत कमी होती है और तापमान क्या होता है, अधिक होता है। जैसे अपना पूर्वी राजस्थान तो अपना अपने अलवर भरतपुर जयपुर में है और उधर का साइड ना पश्चिम। अब सुनो बेटा वो राजस्थान जैसे बाड़मेर है, जैसलमेर है, वो कहाँ पर क्या है, वहां पर रेगिस्तान है। वहां पर कौन से पादप पाए जाते हैं, मरुद्भिद पादप पाए जाते। कुछ मरुद्भिद पादप अपने स्थानों पर भी पाए जाते हैं, जैसे आंख है,
है ना, कैपेरिस कैर है, वो कैसे पादप है बेटा, मरुद्भिद पादप है, अपने यहां पर नागफनी कैक्टस भी पाए जाते हैं। ये पादप कैसे हैं, कैसे पादप हैं ये बेटा, मरुद्भिद पादप हैं, ठीक है ना। अब जो मरुद्भिद पादप है उनकी पर्णों की सतह पर एक मोमी लेयर पाई जाती है जिसे क्या कहते हैं, उपत्वचा। लेकिन बेटा ये जो उपत्वचा होती है कहीं कहीं पर कटी फटी होती है, क्या होती है, कहीं कहीं पर ये कैसी होती है बेटा, कटी फटी होती है। आपको मैंने बताया अगर उपत्वचा सामान्य है तो बेटा मोमी परत है तो जल जो पादप की सतह गर्म होगी वाष्प के रूप में परिवर्तित होगी, लेकिन मोमी परत की वजह से रंध्र बंद है और वो वाष्प जो जल वाष्प है वो बाहर नहीं निकल पाएगी, अर्थात पादपों में जल हानि क्या होगी, या तो नहीं होगी या बहुत कम होगी। लेकिन बेटा जब कटी फटी है, अब कटी फटी है तो वहां पर क्या नहीं है, क्यूटिकल नहीं है, जब क्यूटिकल नहीं होगी तो वहां से क्या होती है बेटा, जल की हानि होती है, क्या होती है, जल की हानि होती है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो मरुद्भिद पादप हैं उनमें उनकी पर्णों में क्यूटिकल पाई जाती है और ये जो क्यूटिकल है जल के प्रति क्या होती है, अपारगम्य होती है। लेकिन कुछ स्थानों पर ये कटी फटी भी हो सकती है या कैसी होती है, बहुत पतली भी होती है। कैसी होती है बेटा, कटी फटी या क्या होती है, बहुत पतली होती है। और जहां से कटी फटी या बहुत पतली होती है वहां से जल वाष्प के रूप में परिवर्तित होकर उड़ जाता है, अर्थात जल की हानि वाष्प के रूप में हो जाती है, इसलिए इसे अपन उपत्वचीय क्यूटिक्यूलर क्या कहते हैं बेटा, ट्रांसपायरेशन कहते हैं। अब ये कितना होता है, ये बेटा टोटल ट्रांसपायरेशन का लगभग कितना होता है, 3-10% होता है। कितना होता है टोटल ट्रांसपायरेशन का, कितना होता है 3-10, सर्वाधिक कौन सा होता है, स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन 50-97% होता है। लेकिन जो उपत्वचीय ट्रांसपायरेशन है वो कितना होता है बेटा, 3-10% होता है। अब बात करते हैं अपन वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन के बारे में, किसके बारे में। देखो बेटा वातरंध्र है ना, वात का मतलब है हवा, वायु, और ऐसे रंध्र जिनसे हवा आसानी से क्या कर सकती है, आर पार जा सकती है, ठीक है ना, वो क्या कहलाते हैं, वातरंध्र कहलाते हैं। ये बेटा जो वातरंध्र हैं, देखो कुछ पादप हैं जैसे कि मान लिया काष्ठीय तने हैं, जैसे शीशम का देखा होगा आपने, काष्ठीय तना है, क्या है, काष्ठीय तना है, फल है और छाल, इन पर विशिष्ट प्रकार के, किस पर, इन पर विशिष्ट प्रकार के छिद्र होते हैं। काष्ठीय तने फल व छाल पर क्या होते हैं बेटा, विशिष्ट प्रकार के क्या होते हैं, रंध्र होते हैं, और उन विशिष्ट प्रकार के रंध्रों को ही अपन क्या कहते हैं, लेंटिक्यूलर कहते हैं, वात रंध्र कहते हैं, लेंटिक्यूलर क्या कहते हैं उनको, वात रंध्र कहते हैं, ठीक है बेटा। अब इन वात रंध्रों के द्वारा, किसके द्वारा, इन वातरंध्रों के द्वारा जो जल होता है वाष्प के रूप में, जो जल है वातरंध्रों के द्वारा जल वाष्प के रूप में धीरे धीरे क्या होता है बेटा, विसरित होता है, ठीक है, उच्च सांद्रता क्षेत्र से निम्न सांद्रता क्षेत्र की ओर जो वाष्प है वो जाती है, अर्थात वातरंध्रों के द्वारा जल वाष्प के रूप में धीरे धीरे क्या होता है, विसरित होता रहता है, और यही क्रिया क्या कहलाती है, वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। वातरंध्रों के द्वारा होने वाला वाष्पोत्सर्जन
वात रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कहलाता है और ये बेटा बहुत न्यून होता है। टोटल ट्रांसपायरेशन का 0.1%, टोटल ट्रांसपायरेशन का 0.1% क्या होता है, वात रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन होता है। क्लियर ना, रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन पत्तियों की सतह पर उपस्थित रंध्रों के द्वारा होने वाले वाष्पोत्सर्जन को रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन 50-97%। उपत्वचीय, ठीक है बेटा, जो उपत्वचा होती है वो मरुद्भिद पादपों की पर्णों पर पाई जाती है, लेकिन कहीं कहीं पर ये कटी फटी या बहुत पतली होती है। जहां से ये उपत्वचा क्यूटिकल कटी फटी या पतली होती है, वहां से वाष्प के रूप में होने वाली जल हानि को क्या कहते हैं, उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। लगभग कितना होता है बेटा, 3-10% होता है। अब बात करते हैं वात रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन के बारे में, लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन के बारे में। जो बेटा काष्ठीय तने होते हैं, फल होते हैं, छाल होते हैं, इनमें विशिष्ट प्रकार के रंध्र पाए जाते हैं, जिनमें है ना, जिनमें बेटा अपने आप खुलने व बंद होने की क्षमता नहीं होती है। ये वो क्या कहलाते हैं, विशेष प्रकार के रंध्र होते हैं जिन्हें अपन क्या कहते हैं, वात रंध्र कहते हैं। और वात रंध्रों के द्वारा जल वाष्प के रूप में धीरे धीरे क्या होता है, विसरित होता है, और ये क्रिया क्या कहलाती है, रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। बहुत न्यून होता है, कितना होता है, 0.1%, दिख रहा है ना आपको, 0.1%। जो ट्रांसपायरेशन है वो कौन सा है, लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन होता है। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिया। ठीक है बेटा, देखो यहां पर सर्वाधिक कौन सा होता है, रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन होता है। तो अपन डिटेल से बात करते हैं रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन के बारे में। स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, हाँ बेटा, अभी मैंने आपको बताया रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन पर्णों की सतह पर उपस्थित रंध्रों के द्वारा होने वाले वाष्पोत्सर्जन को, किस पर, पर्णों की सतह पर उपस्थित रंध्रों के द्वारा होने वाले वाष्पोत्सर्जन को बेटा क्या कहते हैं, रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन आपको पता है पर्णों के द्वारा होता है, रंध्रों के द्वारा होता है। तो सबसे पहले अपन थोड़ी सी पर्ण के बारे में बात कर लेते हैं। देखो बेटा, पर्ण की आंतरिक संरचना आपने पढ़ी होगी। पर्ण की दो सतह हैं, एक तो द्विपृष्ठीय पर्ण होती है, एक समद्विपार्श्व पर्ण होती है, एक पृष्ठीय और द्विपृष्ठीय। जो बेटा जो एक बीज पत्री पर्ण होती हैं, अधिकांशतः एक बीज पत्रों की कैसी होती है, एक पृष्ठीय होती है। और जो द्विबीज पत्री है उसकी डॉर्सी वेंट्रल होती है, पृष्ठाधार पर्ण होती है जिसकी दो सतह होती है। ठीक, अब बात करते हैं इसकी आंतरिक संरचना के बारे में। देखो बेटा, पर्ण है, इसमें होती है अधिचर्म, एपिडर्मिस, बाह्य त्वचा, अधिचर्म, बाह्य त्वचा, एपिडर्मिस, ठीक है बेटा। देखो जो एपिडर्मिस है क्या है, जो बाह्य त्वचा है जो ऊपर की ओर है,
दो सतह हैं, जैसे मान लिया एक पर्ण है, ये देखी होगी आपने पर्ण, इसकी जो ऊपरी सतह होती है बेटा वो गहरे रंग की होती है और जो निचली सतह है वो हल्के रंग की होती है। इसका कारण मैं यहां नहीं बताऊंगा क्योंकि फिर बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। जो बाह्य त्वचा है, एक तो बेटा क्या है, अपर एपिडर्मिस, ऊपरी बाह्य त्वचा, और बेटा एक होती है जो नीचे की ओर होती है, वो होती है निचली बाह्य त्वचा। एक तो ऊपरी बाह्य त्वचा और एक बेटा निचली बाह्य त्वचा, ठीक है ना। अब इन दोनों के मध्य में, इन दोनों के मध्य में होता है बेटा पर्ण मध्योतक, और पर्ण मध्योतक के मध्य में होते हैं शंभेन पोल, शंभेन ऊतक, ठीक। इन दोनों के मध्य में क्या होता है, पर्ण मध्योतक होता है, पर्ण मध्योतक मीजोफिल होता है, क्या होता है, पर्ण मध्योतक मीजोफिल होता है। देखो जो एक बीज पत्री पादप है या एक बीज पत्री पर्ण है, एक बीज पत्री पर्णों में ये पर्ण मध्योतक विभेदित नहीं होता। एक बीज पत्री पर्णों में देखो, एक बीज पत्री पर्ण हुए हैं बेटा जिनमें समांतर क्या हो, स्राविन्यास हो, क्या हो, जैसे ज्वार है, बाजरा है, गेहूं है, उनमें जो पर्ण मध्योतक है वो विभेदित नहीं होता। लेकिन द्विबीजपत्री पर्ण, द्विबीजपत्री पर्ण वे पर्ण हैं जिनमें जालिकावत क्या होता है, स्राविन्यास होता है, कुछ अपवादों को छोड़कर ना। द्विबीजपत्री पर्ण वे पर्ण हैं जिनमें रेटिकुलेट वेनेशन होता है, जालिकावत स्राविन्यास होता है, और द्विबीजपत्री पर्णों में ये जो पर्ण मध्योतक होता है ये दो भागों में विभेदित होता है। कितने भागों में बेटा, दो भागों में विभेदित होता है। एक तो होता है खंभ मृदूतक, खंभ मृदूतक जिसे अपन क्या कहते हैं, पैलीसेड। दूसरा होता है स्पंजी मृदूतक। स्पंजी मृदूतक जिनको अपन कहते हैं स्पॉन्जी पेरेन्काइमा। जैसे बेटा क्या कहते हैं अपन, स्पॉन्जी पेरेन्काइमा। द्विबीजपत्री पर्णों में पर्ण मध्योतक खंभूतक व स्पंजी मृदूतक में क्या होता है, विभेदित होता है। लेकिन एक बीजपत्री पर्णों में, एक बीजपत्री पर्णों में जो पर्ण मध्योतक है वो खंभूतक एवं स्पंजी मृदूतक में विभेदित नहीं होता। अब बेटा जो रंध्र हैं वो कहाँ होते हैं, देखो एक तो होते हैं ऊपरी बाह्य त्वचा पर और निचली बाह्य त्वचा पर। अब बाह्य त्वचा पर उपस्थित रंध्रों के, रंध्रों की उपस्थिति के आधार पर जो पर्ण हैं बेटा वो तीन प्रकार की हैं। देखो कैसी, एक तो वे पर्ण हैं जिनकी ऊपरी बाह्य त्वचा पर रंध्र होते हैं, ठीक, बताऊंगा कौन सा प्रकार है बेटा। एक तो वे पर्ण हैं जिनकी ऊपरी बाह्य त्वचा पर क्या होते हैं, रंध्र होते हैं। एक वे पर्ण है जिनकी केवल और केवल निचली बाह्य त्वचा पर क्या होते हैं, रंध्र होते हैं। और बेटा तीसरी पर्ण है वे जिनकी ऊपरी व निचली बाह्य त्वचा पर दोनों पर क्या होते हैं, रंध्र होते हैं, ठीक। तो यहां पर किसके, रंध्र की उपस्थिति के आधार पर पर्ण तीन प्रकार की हैं। रंध्र की उपस्थिति के आधार पर, रंध्र की उपस्थिति के आधार पर पर्णों के प्रकार, रंध्र की उपस्थिति के आधार पर पर्णों के प्रकार, और बेटा रंध्र की उपस्थिति के आधार पर पर्ण होती हैं तीन प्रकार की। कितने प्रकार की होती हैं,
तीन प्रकार की होती हैं। सबसे पहले प्रकार के बारे में बात करते हैं अपन, वो है बेटा अधोरंध्रीपर्ण, हाइपोस्टोमेटिक अधोरंध्रीपर्ण, हाइपोस्टोमेटिक लीफ अधोरंध्रीपर्ण। बेटा चलो तीनों के नाम बता देता हूं मैं एक बार ना, एक तो है कौन सी अधोरंध्री, एक है बेटा उभयरंध्री, उभयरंध्री पर्ण, एम्फीस्टोमेटिक, और बेटा तीसरी है ऊपर वाले का जस्ट अपोजिट अधीरंध्री पर्ण। कौन सी पर्ण? अधीरंध्री पर्ण, एपी स्टोमेटिक लीफ। ओके देखो सामान्य भाषा में समझो आप क्या कि अधोरंध्री पर्ण किसे कहते हैं, ऐसी पर्ण बेटा, ऐसी पर्ण जिस पर रंध्र, ऐसी पर्ण जिस पर रंध्र केवल कहां होते हैं, निचली बाह्य त्वचा पर होते हैं, वो क्या कहलाती है, अधोरंध्री पर्ण कहलाती है। अब नीचे वाले पे आ जाते हैं अधीरंध्री पर्ण, कौन ऐसी पर्ण जिस पर रंध्र कहां होते हैं, केवल ऊपरी एपिडर्मिस पर, ऊपरी बाह्य त्वचा पर होते हैं। और बेटा उभयरंध्री पर्ण, ऐसी पर्ण जिसकी ऊपरी व निचली दोनों बाह्य त्वचाओं पर क्या होते हैं, रंध्र उपस्थित होते हैं। ठीक है ना, तो सुनो अधोरंध्री पर्ण ऐसी पर्ण जिस पर रंध्र केवल निचली बाह्य त्वचा पर, केवल निचली बाह्य त्वचा पर क्या होते हैं बेटा, उपस्थित होते हैं। ऐसी पर्ण जिस पर रंध्र केवल निचली बाह्य त्वचा पर उपस्थित होते हैं, उसे अपन हाइपोस्टोमेटिक पर्ण कहते हैं। अगर इसके उदाहरणों की बात करूं तो बेटा सेब है, संतरा है, क्या है, सेब है, संतरा है, और अधोरंध्री जो इस प्रकार के जो बेटा ये रंध्र हैं, वे रंध्र जो केवल कहाँ पाए जाते हैं, निचली बाह्य त्वचा पर होते हैं, कहाँ होते हैं, इनर एपिडर्मिस पर होते हैं, ऐसे रंध्रों को अपन एप्पल टाइप स्टोमेटा या सेब प्रकार के। किसके बेटा, इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, सेब, इसलिए इन्हें अपन क्या कहते हैं बेटा, सेब प्रकार के रंध्र, क्या कहते हैं, सेब प्रकार के रंध्र कहते हैं। अब बेटा ये कौन से पादपों पर पाए जाते हैं, ये अधिकांशतः है जो बेटा जो हाइपोस्टोमेटिक जो रंध्र हैं, अधोरंध्री या अधोरंध्र हैं, ये बेटा डाइकॉट में पाए जाते हैं, द्विबीज पत्रियों में पाए जाते हैं। किसमें होते हैं, द्विबीज पत्री पादपों की पर्णों में अधोरंध्र पाए जाते हैं। अधोरंध्र वे रंध्र हैं जो कि पर्ण की निचली सतह पर उपस्थित होते हैं, निचली बाह्य त्वचा पर क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। बात करते हैं उभयरंध्री पर्णों के बारे में, है ना, परिभाषा लिख सकते हो, उभयरंध्री पर्ण कैसे किसे कहते हैं, जब रंध्र पर्ण की दोनों सतह पर उपस्थित होते हैं, जब रंध्र पर्ण की दोनों सतहों पर
जब रंध्र पर्ण की दोनों सतहों पर क्या होते हैं बेटा, उपस्थित होते हैं, तो उसे अपन क्या कहते हैं, उभयरंध्री पर्ण कहते हैं। इसके बेस्ट एग्जांपल हैं जई है ना, ऑट, मक्का है। जब रंध्र पर्ण की दोनों सतह पर उपस्थित होते हैं तो उसे उभयरंध्री पर्ण कहते हैं। जैसे क्या है बेटा, जैसे जई है, मक्का है ना, और जितने भी घासें हैं, क्या हैं, सभी घासें। अब इसका बेस्ट एग्जांपल बेटा क्या है, जई। तो अपन उभयरंध्री या उभयरंध्रों को अपन क्या कहते हैं, जई प्रकार की रंध्र भी कहते हैं, ऑट टाइप, जई प्रकार के क्या कहते हैं इनको, रंध्र भी कहा जाता है। अर्थात उभयरंध्री पर्ण ये है कि ऊपरी व निचली दोनों सतहों पर रंध्रों की संख्या लगभग क्या होती है, जो आउटर एपिडर्मिस है, ठीक है बेटा, और जो इनर एपिडर्मिस है, आउटर एपिडर्मिस, जो इनर एपिडर्मिस है, इस पर रंध्रों की संख्या, रंध्रों की जो संख्या है वो बेटा क्या होती है, समान होती है। ठीक, समझ में आया। अब तीसरे वाले की बात कर लेते हैं, अधिरंध्री पर्ण। अब तो समझ में आ गया होगा, जब रंध्र पर्ण की केवल कहां पर बेटा, ऊपरी बाह्य त्वचा पर उपस्थित हो, कहां पर, ऊपरी बाह्य त्वचा पर उपस्थित हो, जब रंध्र पर्ण की केवल ऊपरी बाह्य त्वचा पर, जब रंध्र पर्ण की केवल ऊपरी बाह्य त्वचा पर उपस्थित हो, जब रंध्र पर्ण की केवल ऊपरी बाह्य त्वचा पर उपस्थित हो, तो उस पर्ण को क्या कहते हैं, अधिरंध्री पर्ण कहते हैं। अब बेटा इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो है वाटर लिली, वाटर लिली, जिसे अपन कुमुदनी भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, जल कुमुदनी, और जितनी भी जलीय पादप हैं जो तैरने वाले हैं, प्लावी जलीय पादप है ना, जल निमग्न अवस्था में नहीं बेटा, जो तैरने वाले हैं, जो प्लावी पादप हैं, फ्लोटिंग प्लांट हैं, जो प्लावी पादप हैं, जो तैरने वाले पादप हैं, उनमें कौन से रंध्र पाए जाते हैं, अधिरंध्र पाए जाते हैं। अर्थात जो तैरने वाले, मान लिया ये पर्ण की सतह है, नीचे जल है बेटा, अब नीचे जो अगर रंध्र होंगे तो कोई नुकसान ही नहीं है क्योंकि जल के टच में है, लेकिन इसमें रंध्र कहां पाए जाते हैं, ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं। अगर यदि रंध्र पर्ण की ऊपरी सतह पर है तो अधिरंध्रीय, यदि रंध्र पर्ण की निचली सतह पर है तो अधोरंध्री, अगर दोनों पर है तो वो क्या कहलाता है, उभयरंध्री पर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है, उभयरंध्री पर्ण कहलाती है। इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वाटर लिली, कुमुदनी है, इनसे अपन एपिस्टोमेटिक को अपन कुमुदनी प्रकार की रंध्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, कुमुदनी प्रकार की रंध्र भी कहते हैं, ठीक है ना, ये आपकी समझ में आ गया होगा। मैंने रंध्र की उपस्थिति के आधार पर पर्णों के प्रकार बताए, हाइपोस्टोमेटिक, एम्फिस्टोमेटिक और बेटा एपिस्टोमेटिक। फटाफट से इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में आप रंध्र की संरचना पढ़ेंगे। ओके, कर लीजिए इसको।